इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे मार्ग पर नगर से 3 किलोमीटर दूर दातुनी कासरानी नदी से जोड़ संगम पर करीब 60 वर्ष पूर्व बलैया बाबा और उनके बाद मरहारनंद दास बाबा के सानिध्य में पंचकुंडी यज्ञ हुआ था। अब फिर उसी तीर्थ स्थान पर 10 से 19 फरवरी 10 दिनों तक भगवान दक्षिणेश्वर हनुमान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है। आचार्य आदर्श गुरु जी ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि भव्य धार्मिक आयोजन में अनेक साधु संतों का समागम होगा। श्री रंजीत हनुमान रामायण मंडल कन्नौज के द्वारा श्री दक्षिणेश्वर हनुमान जी की नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का बीड़ा उठाया गया, जिसमें क्षेत्र के हनुमान भक्तों का तन मन धन से भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। विद्वान आचार्यों के माध्यम से 11 कुंडीय संग्रह मख महारुद्र महायज्ञ किया जाएगा। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। गुरु जी, ये जोड़ नदी पे यज्ञ हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं कि आज से करीब 60 वर्ष पूर्व किन महान संतों के द्वारा यहाँ यज्ञ हुआ था। जी, ये स्थान नर्मदा माँ की दो सहायक नदियाँ हैं दतुनी और कासरनी, उनके जोड़ पर संगम पर यह स्थान है, इसलिए इसे जोड़ नदी कहा जाता है। यहाँ पर आज से 63 वर्ष पूर्व एक परिव्राजक परमहंस श्री बलैया बाबा यहाँ पर पधारे थे और एक मनहरानंद बाबा जी यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने नगर के और आसपास के क्षेत्रवासियों के सहयोग से एक बड़ा ही दो विशाल यज्ञ यहाँ पर संपादित किए थे, और जिनके बारे में सुना जाता है कि लोग दूर दूर से बैलगाड़ियों से आ रहे थे और यहाँ पर अखंड भंडारा चल रहा था, और उस समय का वह यज्ञ अपने आप में अनुपम था। और आज उन्हीं परम पूज्य महाराज श्री के पावन आशीर्वाद से, पावन प्रेरणा से यहाँ पर यह तीसरा यज्ञ इस स्थान पर आज श्री रणजीत हनुमान रामायण मंडल के प्रयास से और बाकी सभी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों के प्रयास से, सहयोग से यह तीसरे यज्ञ की योजना यहाँ पर बन चुकी है, जो आप सभी देख सकते हैं मूर्त रूप ले रही है। इसमें 80x80 की एक विशाल एकादश कुंडीय यज्ञशाला का निर्माण चल रहा है। इसमें श्री श्री विद्याधाम इंदौर के, गुप्तकाशी के और हमारे स्थानीय क्षेत्रीय ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर बड़ा ही दिव्य यज्ञ दिनांक 10 फरवरी से तो 19 फरवरी तक होगा, जिसमें उज्जैन से पधारे श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज रामकथा का 9 दिनों तक पारायण करेंगे, वाचन करेंगे, प्रवचन करेंगे, और भी देश से विभिन्न संप्रदायों के जो महात्मा जन हैं वे भी यहाँ पर इस अवसर पर पधारेंगे, उन्हें भी हमने आमंत्रित किया है। प्रतिदिन यहाँ पर सुबह 8 बजे से तो रात्रि 8 बजे तक हवन का, पूजन का, पाठ का क्रम चलता रहेगा, और दोपहर में 11 से 3 बजे तक प्रतिदिन जितने भी भक्त यहाँ पर आएंगे उन सभी का विशाल भंडारा महाप्रसादी का भी प्रबंधन यहाँ पर किया जा रहा है, उसी के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। और दोपहर में 12 से 4 बजे तक प्रतिदिन यहाँ पर रामकथा का आयोजन प्रवचन किया जाएगा, और शाम को 6 बजे प्रतिदिन भगवान यज्ञ नारायण की महाआरती होगी, और प्रतिदिन यहाँ पर रात्रि 8 बजे के बाद से सांस्कृतिक आयोजन, भजन संध्या आदि कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रतिदिन होंगे। और 10 फरवरी को यहाँ पर एक विशाल शोभा यात्रा तालाब मंदिर से यहाँ तक निकाली जाएगी, जिसमें जितनी भी सौभाग्यवती माताएं बहन रहेंगी उन सभी का वहाँ पर जलपान होगा और यहाँ पर विशाल भंडारा होगा। जी हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।